बच्चों प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई होगी। सर देखें, मिस स्टेटमेंट या तो एरर की वजह से होती है या सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे जो कि इंडिकेट करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। सही है, आपने डायरेक्ट फ्रॉड के ऊपर जंप नहीं करना है, आपने देखना है कि जो मिस स्टेटमेंट है ये एरर की वजह से हो सकती है या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चों, एरर और फ्रॉड में बुनियादी फर्क है इंटेंशन का। सही है, तो इंटेंशन को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे ये जो मिस स्टेटमेंट हुई है, क्या ये जो मिस स्टेटमेंट है इसकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। सर ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे जो कि इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। यहाँ आयजा ने हमें कुछ एग्जाम्पल दिए। आयजा ने कहा देखें यार, दो तीन चीज़ें, दो तीन हेडिंग्स हैं, आप समझो कि यार डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई डिस्क्रिपेंसीज दिख रही है, क्या मतलब सर, ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट या टाइमली मैनर पे अगर रिकॉर्ड नहीं हो रही। सही है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट या कंप्लीट का मतलब, टाइमली मैनर का मतलब कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है और उसकी सेल्स इनवॉइस ही नहीं है, या उसका गुड्स डिलीवरी नोट ही नहीं है, या उसका फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर ही नहीं है, या उसका फॉर एग्जांपल सेल्स ऑर्डर ही नहीं है। ट्रांजैक्शन टाइमली और कंप्लीट मैनर में अगर रिकॉर्ड नहीं हो रही और एक मिस और आपने रेवेन्यू में एक मिस आइडेंटिफाई करी है, अब आप मैनेजमेंट को कह रहे हो यार मुझे GDN दिखाना, मैनेजमेंट GDN नहीं दिखा रही। अब आप कह रहे हो कि यार अच्छा मुझे सेल्स ऑर्डर दिखाना, मैनेजमेंट सेल्स ऑर्डर कोई 10 दिन पुराना का दिखा रही है, 20 दिन पुराना दिखा रही है। आप कह रहे हो अच्छा है मुझे बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस करवा दो उसको, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं, मैनेजमेंट कह रही है पैसा भी नहीं आया। आप कह रहे हो अच्छा है मुझे इस कस्टमर का क्या कहते हैं, इस कस्टमर के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, नहीं जी कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। तो आप कहोगे यार ये मिस स्टेटमेंट तो मैंने पकड़ ली है, लेकिन जो हालात हैं ये इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। सही है, इसी तरीके से अनसपोर्टेड और अनऑथराइज्ड बैलेंस और ट्रांजैक्शन, एक रेवेन्यू मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड कर लिया, आप कहते हो भाई मुझे इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाओ, मुझे GDN दिखाओ, मुझे सेल्स ऑर्डर दिखाओ, मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, मुझे सेल्स एग्रीमेंट दिखाओ, मैनेजमेंट आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रही। सही है, तो इसका मतलब है कि जी ये एक ऐसे कैसे गलती होगी कि एक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, ना सेल्स ऑर्डर है, ना परचेज ऑर्डर है, ना GDN है, ना बैंक स्टेटमेंट है। उसके अलावा वो आपसे कहता है कि यार आपने कोई एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी और आपने जब उस मिस स्टेटमेंट को देखी, आपने कहा ये जो मिस स्टेटमेंट है ना ये लास्ट मिनट में पास की गई है, मतलब 31 दिसंबर कंपनी का ईयर एंड है और 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को ये रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था और इस रेवेन्यू की कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है और ये इतना बड़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया कि इससे कंपनी प्रॉफिट में आ गई। सही, सिल्क बैंक वाली भी ट्रांजेक्शन देखेगा ईयर एंड के आसपास थी, तो अगर कोई लास्ट मिनट एडजस्टमेंट हुई है, सही है, आपने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली है, जब आप उसको गौर से देख रहे हो तो आप कह रहे हो यार ये लास्ट ईयर एंड से एक दो दिन पहले ये हरकत करी है, इसका मतलब कुछ फिशी है यार, ये इंडिकेट करती है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। इसके अलावा आपने ये देखना है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर ऑडिटर्स को कोई मिल जाती है, कंप्लेंट मिल जाती है अबाउट द एलिश फ्रॉड। हैस्कॉल में पब्लिकली एक चीज आ गई थी कि जी एक फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है आपने उसको भी एनालाइज करना है। इसके अलावा आज आपसे कहते हैं एक और सब हेडिंग है, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, कि अगर आपको कोई एविडेंस मिसिंग या कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है तो वो भी इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। फॉर एग्जांपल मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, अगेन एक रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ हुआ है और उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, कोई GDN वगैरह अवेलेबल नहीं है, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, या डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है यार ये ऑल्टर्ड किया गया है। सही, डॉक्यूमेंट तो है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है इस डॉक्यूमेंट को ऑल्टर किया गया है, सेल 100 रुपए की 1000 रुपए इसमें एक और 0 ऐड किया गया है, डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर्ड किया गया, फेक बैंक स्टेटमेंट बनाई गई है, फेक सेल्स इनवॉइस बनाई गई है। इसी तरीके से आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो फोटोकॉपी फॉर्म में प्रोवाइड किए गए, ऑल्दो ओरिजिनल फॉर्म अवेलेबल है लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में प्रोवाइड नहीं कर रही मैनेजमेंट आपको, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट ने इन डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर किया होगा। देखें हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ जब ओरिजिनल होगी ना, सारे पेजेस के ओरिजिनल होंगे, इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बैंक स्टेटमेंट की अगर आप एग्जांपल हैं, अगर मुझे एक फेक बैंक स्टेटमेंट बनानी है तो मैं करूँगा क्या, मैं लेटर हेड रखूँगा जो भी मेरा बैंक होगा उसका, नीचे एक्सेल में कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह लिखूँगा, उसको सामने रखूँगा, एक प्रिंट दे दूँगा फोटोकॉपी फॉर्म में और उसको आराम से पेश कर दूँगा। सही है, या जो एक ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होगी उसका लेटर हेड होगा वो यूज़ कर लूँगा, नीचे कोई और पेज लगा दूँगा बैंक। तो अगर फोटोकॉपी मैनेजमेंट आपको दे रही है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे रही और आप मांग रहे हो उससे, तो इसका मतलब है कुछ फिशी है, शायद मैनेजमेंट ने ये इंडिकेट करती है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। मैं एक एग्जांपल भी बड़ी ज़बरदस्त देता था, हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे और उस कंपनी के ऑडिट में हमारे पास एक जूनियर ने एग्रीमेंट देख रहा था, जब वो एग्रीमेंट देख रहा था तो वो एग्रीमेंट उसने फोटोकॉपी फॉर्म में देखा था, जब फोटोकॉपी फॉर्म में देखा तो उसने एग्रीमेंट पूरा पढ़ लिया, हमने उससे पूछा यार कोई लायबिलिटी का क्लॉज तो नहीं है, उसने कहा नहीं सर मैंने पूरा एग्रीमेंट पढ़ लिया, लायबिलिटी का कोई भी क्लॉज नहीं है। अच्छा,
बाद में जब हमने कस्टमर को या सप्लायर को कन्फर्मेशन भेजी तो पता चला उसने कहा कि भाई मुझे तो कंपनी ने ये पैसे भी देने हैं और एज़ पर एग्रीमेंट ये पैसे भी देने हैं। हमने कहा एज़ पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो पढ़ लिया था, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। एग्रीमेंट को जाके देखा, एग्रीमेंट वापस कुछ नहीं लिखा था। फिर मेरे जूनियर को बोला भाई एग्रीमेंट कौन सा है, उसने कहा सर ये तो फोटोकॉपी फॉर्म में। बस यहाँ पे मसला हुआ था प्यारे बच्चों, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था उसमें नंबरिंग और पेजेस लिखे हुए आ रहे थे, सही है। मैनेजमेंट ने क्या करा, जो लाइबिलिटी के पेजेस आ रहे थे जिसमें लाइबिलिटी के क्लॉजेस थे उसको फोटोकॉपी नहीं करवाया, और फोटोकॉपी भी इस तरीके से करवाया कि नीचे जो पेज नंबर आ रहे थे उसको फोटोकॉपी नहीं करवाया उसने। तो यहाँ मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करा, ऑल्टर करा, ताकि ऑडिटर एक चीज को आइडेंटिफाई ना कर सके। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर को कंफर्मेशन भेजी और जब कंफर्मेशन भेजी और मैनेजमेंट ने उसको रिकंसाइल करने की कोशिश करी और सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम है रिकंसिलेशन में, पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये जो है ये बैलेंस रिकंसाइल होके ही नहीं दे रहा। आप कह रहे हो कि आपको कस्टमर से 100 रुपए लेने हैं, कस्टमर कह रहे हैं मुझे तो 5 रुपए दे रहे हैं, भाई ये 95 रुपए रिकंसाइल करके दो। मैनेजमेंट 95 रुपए एक सिग्निफिकेंट आइटम है उसको रिकंसाइल करके नहीं दे रही, रिकंसाइल करके क्यों नहीं दे पा रही, बिकॉज फिक्टिशियस रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा ना, रेवेन्यू क्रेडिट किया होगा, रिसीवेबल डेबिट किया होगा 95 रुपए से, तो कहां से रिकंसाइल करके दे, बोल तो नहीं सकती कि मैंने झूठ बोला हुआ है, सही है। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट आइटम भी आ रहा है तो उसको भी आपने देखना है। इसी तरीके से अगर कोई अनयूजुअल बैलेंस शीट में चेंजेस वगैरह आ रही है तो ये भी इंडिकेट कर सकता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। अगर आप मैनेजमेंट से कोई मिसस्टेटमेंट आती है, मैनेजमेंट से कोई इंक्वायरीज करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी करते हैं, मैनेजमेंट उसका अगर आपको एप्रोप्रिएट रिस्पांस नहीं दे रही तो इसका मतलब है यार ये भी इंडिकेशन है एक पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की। उसके अलावा जो कन्फर्मेशन आपने भेजी और जो मैनेजमेंट जो रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें भी अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं, एक्सेप्शंस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट कर सकता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड का प्यारे बच्चों। इसी तरीके से इन्वेंट्री काउंट वगैरह हुआ और मिसिंग इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा है। जब मिसिंग इन्वेंट्रीज हैं आप कह रहे हो यार आप जीएल में दिखा रहे हो कि मेरे पास 100 लीटर पड़ा हुआ है, काउंट करने जा रहा हूँ तो 30-40 लीटर पड़ा हुआ है, बाकी 60 लीटर कहाँ है, तो अगर मिसिंग इन्वेंट्री तो इसका मतलब है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हुआ होगा प्यारे बच्चों। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने कन्फर्मेशन भेजी और कन्फर्मेशन के जो रिप्लाइज आप एक एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 100 कन्फर्मेशन भेज रहा हूँ 60 आ जाएंगे, ठीक है, आपने 100 कन्फर्मेशन भेजी सिर्फ और सिर्फ 5 के रिप्लाइज आए बच्चों, आपने फ़ौरन से इसको अलर्ट हो जाना है कि यार सिर्फ 5 के रिप्लाइज आए, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 60 तो आते ही है नॉर्मली। इसका मतलब है कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, फिक्टिशियस कस्टमर है और उसके अगेंस्ट कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ, या आपने 100 कन्फर्मेशन भेजी और आपको 99 के रिप्लाई आ गए। आप कहो कि यार 99 रिप्लाई कैसे आ गए, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 60 के आएंगे, इतने तो रिप्लाईज आते नहीं है। तो यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैनेजमेंट ने जो एड्रेसेस बताए ये पीछे मैनेजमेंट के एड्रेसेस होंगे और वहां से स्टैम्प लगा के हमें रिप्लाई कंफर्म किए जा रहे हैं, इस चीज को भी आपने अलर्ट रहना है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से कुछ जब आप मैनेजमेंट और दोस्त जावेद गवर्नर से डिस्कस कर रहे होते हैं और उस दौरान अगर इंटरेक्शन में भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं पॉसिबिलिटी फ्रॉड को, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, आपने मैनेजमेंट को बोला कि यार मुझे ये एग्रीमेंट देखना है या मुझे डॉक्यूमेंट देखना है, अगर मैनेजमेंट आपको वो एग्रीमेंट नहीं दिखा रही, वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रही, तो इसका मतलब है कुछ इंडिकेशन है कि एक पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो सकती है, या कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में आप एक्सटेंसिव टाइम लगा रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो और मैनेजमेंट आपके ऊपर टाइम प्रेशर इंपोज करिए कि यार जल्दी से इस मैटर को रिजॉल्व करो, कोई भी इतना कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं, इतना भी नहीं जितना तो मैं बना लिया है, ऑडिट जल्दी कंप्लीट करना है, हमने AGM करनी है, अगर ऐसी चीज मैनेजमेंट कर रही है या आपकी टीम को इंटिमिडेट कर रही है कि मैं तुम्हारे मैनेजर से शिकायत कर दूंगा या तुम्हारे पार्टनर से शिकायत कर दूंगा, तुम ये फजूल का सवाल पूछ रहे हो, ऐसा पूछ रहे हो, दैट इंडिकेट्स दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्यारे बच्चों, अगर आप मैनेजमेंट से कोई चीज़ मांग रहे हो और मैनेजमेंट उसमें टाइम लगा रही है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, भाई रिकॉन है, रिकॉन प्रोवाइड करें, सही, 1 दिन 2 दिन चले 3 दिन हो जाएंगे, 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन 35 दिन हो गए, रिकॉन प्रोवाइड नहीं कर पा रही बैंक, रिकॉन कस्टमर के रिकॉन प्रोवाइड नहीं कर पा रही, दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड प्यारे बच्चों। अब सवाल यह है प्यारे बच्चों, अगर इंडिकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की, अगर मेरे पास इंडिकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की, तो इसका मतलब अगर कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई या तो एरर है या इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। कब इंडिकेट करेगा, जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई मसला होगा, जब डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होंगे, जब रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक अनयूजुअल चल रहा होगा मैच में दो साथ गवर्नमेंट, अगर इसका आंसर यस आ गया, मतलब कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है, रिकंसिलिएशन नहीं कर पा रही, टाइम पे नहीं दे पा रही, प्रेशर कर रही, अगर इंडिकेशन है यस, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, और अगर इंडिकेशन नहीं है तो इसका मतलब ये मिस स्टेटमेंट है और ये एरर की वजह से, और एरर की वजह से आप 705 की तरफ चले जाएंगे कि क्वालिफाइड एडवर्स जो आपने देख रहे हैं। लेकिन अगर इंडिकेशन और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है तो ऐसे कहते हैं डायरेक्ट ओपिनियन पे जंप ना करो, ये जो मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई हुई है जो कि इंडिकेट करती है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, इसके इंपैक्ट को अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट में भी समझने की कोशिश करें। देखिए एक चीज आप समझे, अगर आपको रिसीवेबल में मसला पता चला है तो रिसीवेबल तो डेबिट हुआ होगा,
क्रेडिट रेवेन्यू हुआ होगा, समझने की कोशिश करेंगे, उसका मतलब रेवेन्यू में भी मसला है, सही है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कंपनी ने छेड़ा है तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक तो परचेज और सेल से बनता है, तो इसका मतलब परचेज में भी मसला है, सेल्स में भी मसला है, अकाउंट पेबल में मसला है, अकाउंट अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट को भी कंसिडर करना है। और फिर आपसे वो कहता है अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, एक ऐसा फ्रॉड हुआ है जिसमें आपको लगता है सीनियर मैनेजमेंट प्यारे बच्चों इन्वॉल्व है, और भले ही फ्रॉड इमटीरियल क्यों ना हो, नेशनल बैंक ऑडिट कर रहा हूँ, 6 बिलियन की मटीरियलिटी और 6 मिलियन की मुझे अगर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई जो कि इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, और अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, आयजा कहता है यार देखो अपने रिस्क असेसमेंट को पहली फुर्सत में रीइवैल्यूएट करो, रीअसेस करो, सही है, फौरन से रीअसेस करो कि इसके अलावा भी कोई फ्रॉड हो सकता है, और जब तुम अपने प्लानिंग फेज में वापस से आकर रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करोगे उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, जो रिस्क को रिवाइज करोगे उसके अगेंस्ट मजीद नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करो, उसके अलावा जितने भी ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं, जितनी भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगर सीनियर मैनेजमेंट ही फ्रॉड किया है और आपने रेवेन्यू में फ्रॉड आइडेंटिफाई किया और आपको लग रहा है सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब परचेस में जो ऑडिट एविडेंस आपको मिला, पीपी में जो ऑडिट एविडेंस मिला, इन्वेंट्री में जो ऑडिट एविडेंस मिला, उसकी रिलायबिलिटी में भी डाउट क्रिएट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। और फिर आप एक काम ये करें, आप विड्रॉ कर जाएं, सीनियर मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व है तो आप विड्रॉल कर जाएं प्यारे बच्चों, सही है। देखिए एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपको मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्लाइंट का मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, मुझे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, तो मैं वो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता। अब मुझे ऑडिट के बीच में पता चल गया कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, तो यहां आयजा आपसे कहता है कि आपने विड्रॉ कर जाना है प्यारे बच्चों। तो अगर कंक्लूडिंग फेज में कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई जो कि इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, इंडिकेशन क्या है सारी डिस्कस कर ली, अगर इंडिकेट करता है तो आपने ये 5 से 6 प्रोसेस परफॉर्म करने, पहला अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट, दूसरा अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है भले ही इमटेरियल है, अपने फ्रॉड के रिस्क असेसमेंट को प्लानिंग फेज में वापस से जाकर फ्रॉड के रिस्क असेसमेंट रिवाइज करना है, परफॉर्मेंस फेज में जाकर मजीद प्रोसेस परफॉर्म करना है, जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं, जितनी भी रिटर्न रिप्रेजेंट मिली है, उन सबको रीइवैल्यूएट करना है एंड मे कंसिडर टू विड्रॉ। नेक्स्ट क्लास में हम आईजे 240 की कंप्लीट लॉजिक और लिंकिंग समझेंगे। थैंक यू सो मच।